सो हाय एवरीबॉडी। अगर चलो कैसे हो लोग? सब लोग बढ़िया, एकदम मस्त हो गए, झकास हो गए। ठीक है, तो पढ़ने के लिए रेडी? रेडी। ओके, तो देखो जी, एक देश होता है, कंट्री होती है। जैसे हमारा भारत देश एक कंट्री है, तो देश को मैनेज करना पड़ता है, चलाना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें हैं कि नहीं? तो जैसे मोदी जी आप देख रहे हो, और कितने अरविंद केजरीवाल जी, इतने बड़े बड़े नेता हमारे देश में, बहुत सारे नेता हैं, तो सारे लोग देश को मैनेज कर रहे हैं। तो देश को मैनेज करने के लिए हमें क्या बनाना पड़ता है जी? गवर्नमेंट बनाने पड़ते हैं। गवर्नमेंट कितने टाइप का हो सकता है? तो डेमोक्रेटिक, नॉन डेमोक्रेटिक, है ना, डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक क्या गवर्नमेंट होता है? वट यू नो, कैसी गवर्नमेंट होती है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट? तो डेमोक्रेसी होती क्या है? तो इसके लिए हमने पार्ट वन ऑलरेडी बना रखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है ना, छोटा सा वीडियो है। तो उसमें हमने ये क्लियर किया है कि डेमोक्रेसी जो गवर्नमेंट होती है वो किस टाइप की गवर्नमेंट होती है, तो आप उस पार्ट को जाके देख सकते हैं। ओके, दूसरा होता है नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री, है ना। नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री मतलब जिसमें या तो राजा होता है ना, किंग किंग होता है, राजा होता है, या कोई रूलर और होता है ना। रूलर मतलब वो तानाशाही होता है। तानाशाही मतलब कोई एक आदमी है जो अपनी मनमानी करके पूरे देश को चला रहा है कि नहीं? तो डिक्टेटरशिप दो तरीके की होती है, जैसे हिंदी में तानाशाही, और मोनार्ची मतलब इसे राजतंत्र, है ना, राजा का तंत्र, यानी राजतंत्र। ये सब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पहले पार्ट में, है कि नहीं? तो ये था। अब जैसे डेमोक्रेसी जो गवर्नमेंट होती है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होती है, हिंदी में कहते हैं उसे क्या कहते हैं जी? लोकतंत्र। क्या कहते हैं? लोकतंत्र। डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र, और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का मतलब लोकतांत्रिक सरकार, है कि नहीं? तो जो लोकतंत्र, लोकतांत्रिक सरकार होती है, इसकी कुछ खास बातें होंगी, कुछ सिर्फ इतना ही, मतलब ये होती क्या है वो तो हमने पहले पार्ट में क्लियर कर लिया, लेकिन उसके कुछ फीचर्स हैं, कुछ विशेषताएं हैं, कुछ खास बातें जो कि आज हम इस पार्ट में पढ़ने वाले हैं। ओके, देखते हैं। तो पहली बात, सबसे पहला फीचर, आप इनके स्क्रीनशॉट ले लेना, अपनी कॉपी में लिखते रहना, है ना। हमने पूरा एनसीईआरटी कवर किया है, एनसीईआरटी हमने पूरी एक एक लाइन, एकदम जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं सारी ली हैं। तो फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, फीचर्स का मतलब विशेषताएं, खास बातें, खासियत, है ना, क्या उसमें खास है। डेमोक्रेसी मतलब जो भी सरकार, जो गवर्नमेंट है, डेमोक्रेसी जो गवर्नमेंट है, हमने ये तो पढ़ा था कि वो डेमोक्रेसी एक ऐसी सरकार है जिसमें जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, वो कैसे बनती है? लोगों में से, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, फ्रॉम द पीपल, है ना, लोगों के द्वारा बनती, लोगों के द्वारा चुनी जाती है। मतलब जो नेता, जब जैसे जैसे सरकार होती है तो गवर्नमेंट में क्या होते हैं? नेता होते हैं, नेताओं से तो सरकार बनती है, खूब सारे नेता होते हैं। तो नेता लोगों के द्वारा चुने जाते हैं, लोगों में से चुने जाते हैं। मतलब जो नेता बनते हैं वो कहीं एलियन तो नहीं है ना, बाहर से तो नहीं आए ना, वो हमारे देश में से, यानी जो भी हमारी कंट्री के अंदर लोग हैं, वो इलेक्शन के जरिए इन नेताओं को क्या कर रहे हैं? वोट डाल रहे हैं। और ये नेता किधर से आए हैं? ये नेता हमारे बीच से ही आए हैं, है ना। तो लोगों के द्वारा, लोगों में से, और ये नेता जो है किसके लिए काम करेंगे? लोगों के लिए, है ना, लोगों के लिए काम करेंगे। तो बाय द पीपल, फ्रॉम द पीपल, फॉर द पीपल, आप इसको इंग्लिश में से याद रख सकते हैं। तो डेमोक्रेसी एक ऐसी सरकार होती है जिसमें जो नेता होते हैं, जो देश की सरकार होती है, जिन नेताओं को हम चुनते हैं, जो लोग होते हैं, है ना, जिन्हें वोट डालकर हम चुनते हैं, जो देश चलाने की जिम्मेदारी अपने हाथों में लेते हैं, वो लोग, है ना, वो लोग, उनको चुनता कौन है? लोगों के द्वारा, यानी हम ही लोग उन्हें चुनते हैं। वो किधर से आते हैं? वो लोग हमारे बीच में से ही होते हैं ना, और किसके लिए काम करने की जिम्मेदारी लेते हैं? लोगों के लिए। तो यानी ये सबसे अच्छी डेफिनेशन है। तो जो डेमोक्रेसी का जो सबसे पहला फीचर है वो ये है कि मेजर डिसीजंस आर टेकन बाय द इलेक्टेड लीडर्स, यानी कि गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट में हम नेता लोगों को चुन लेंगे, वोट डाल डाल कर चुन लेंगे। तो जो बड़े बड़े डिसीजन है देश के अच्छे, अच्छाई के लिए, भलाई के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए, सबके कल्याण के लिए, है ना, तो वो डिसीजन कौन लेगा? नेता लोग लेंगे। कौन लेंगे? मेजर डिसीजंस आर इलेक्टेड बाय द मेजर डिसीजंस आर टेकन बाय द इलेक्टेड लीडर्स, यानी जिन लोगों को हमने लीडर्स चुना है वो लोग डिसीजन लेंगे। तो ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए, यानी जो भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है उसमें ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन 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 यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई। अब हमारे पास एक केस स्टडी है। क्या है जी? केस स्टडी है। केस स्टडी बोले तो कि एक कंट्री ऐसी है जैसे पाकिस्तान, हमारे बगल का देश है ना, तो पाकिस्तान में ऐसा कुछ देखा गया है कि वो अपने आप को डेमोक्रेसी बोल रहे हैं, अपने आप को डेमोक्रेटिक कंट्री बोल रहे हैं, है ना, लेकिन फिर भी वहाँ पे कुछ थोड़ा सा गलत हुआ, वो हम देखने की कोशिश करते हैं। तो कह रहा है कि 1999 में जो जनरल परवेज मुशर्रफ, है ना, जनरल परवेज मुशर्रफ, यानी सेना के चीफ थे ये, मतलब जो जनरल परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान के अंदर, जो पाकिस्तान की जो आर्मी थी उसके क्या थे? हेड थे, वो आर्मी के हेड थे। तो उन्होंने खुद को क्या बोल दिया? उनको खुद को घोषित कर दिया उन्होंने कि मैं क्या हूँ? कंट्री का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हूँ, यानी कि कंट्री के सारे डिसीजंस उन्होंने लेना शुरू कर दिया। मतलब जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी उसको रद्द कर दिया उन्होंने, और ये मिलिट्री कूप था। मिलिट्री कूप का मतलब सैनिक तख्ता पलट, मतलब इन्होंने अपनी, क्योंकि सारी सेना तो इन्हीं के अंडर थी, क्योंकि ये सेना के हेड थे, तो इन्होंने क्या बोला कि जो देश के अंदर लोकतांत्रिक सरकार है वो अब बेदखल की जाती है, वो कैंसिल की जाती है, उनकी पावर रद्द की जाती है, सारी जो डिसीजंस हैं किसके पास आ जाएंगे? मेरे
मेरे पास था। यानी परवेज़ मुशर्रफ एक ऐसा इंसान था पाकिस्तान के अंदर, आज से 1990 मतलब आज से तो काफ़ी साल हो गए, आप देखो कि 21-22 साल हो गए, 21 साल पहले 1990 में पाकिस्तान के अंदर ऐसा हुआ कि जो ये इंसान था इसने जो देश की सरकार थी, डेमोक्रेटिक सरकार थी वहाँ पर, लोकतांत्रिक सरकार थी, उसको उखाड़ फेंका, सैनिक तख्ता पलट हो गया, उसको कैंसिल कर दिया, उसको बर्बाद कर दिया, है ना। और खुद क्या बन गया, हेड बन गया, किसका, पूरी देश का, पूरे कंट्री का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बन गया। तो लिखा है ही ओवर थ्रू डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट, उखाड़ फेंका, यानी ओवर थ्रू मतलब उखाड़ फेंका, बर्बाद कर दिया। लेटर ही बिकेम प्रेसिडेंट, और बाद में धीरे धीरे चल के ये क्या बन गया, प्रेसिडेंट बन गया। मतलब इसने खुद को ही घोषित कर दिया कि मैं प्रेसिडेंट हूँ, ठीक है, पूरे देश के अंदर, है ना, क्योंकि इसके पास सेना में, सेना की बहुत ज़्यादा पावर थी, सारी सेना इसी के पास थी। ओके आगे चलते हैं, है ना। फिर 2002 में इसने एक रेफरेंडम करवाया, रेफरेंडम मतलब जनमत संग्रह करवाया इसने। अब ये क्या होता है, रेफरेंडम का मतलब इसने वोटिंग करवाई किससे, कि जो भी लीडर फीडर्स थे उधर, जो लीडर्स थे, है ना, ये तो हेड था ना पूरा, प्रेसिडेंट बन गया था, तो इसने जो भी इसके नीचे जितने भी लोग थे उनसे वोटिंग करवाई, और वोटिंग में ये हार तो गया, लेकिन बेसिकली इसे क्या मिल गया, 5 ईयर एक्सटेंशन मिल गया, मतलब कि अब प्रेसिडेंट आप 5 साल तक और बने रह सकते हो, है ना, 5 साल तक बने रह सकते हो, यानी कि आगे 2002 से 2007 तक इसको परमिशन मिल गई कि ये पाकिस्तान का प्रेसिडेंट बना रह सकता है। लेकिन अब देखो भाई, ये सब गलत तो हो रहा है ना, तो पाकिस्तान की जो मीडिया थी, ह्यूमन राइट कमीशंस वाले जो लोग थे, मतलब मीडिया जो न्यूज़पेपर वाले हैं, बेसिकली ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ऐसे ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे संस्थाएं जो मानव के अधिकारों के लिए काम करती है, अगर इंसानों के साथ कुछ गलत हो रहा है तो उनके लिए वो लड़ती हैं, तो ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन थी, है ना। और डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट थे, डेमोक्रेटिक एक्टिविस्ट का मतलब कि वो लोग जो लोकतंत्र को अच्छा मानते थे और ये चाहते थे कि देश में कैसी सरकार हो, लोकतंत्र, लोकतांत्रिक सरकार हो, लोगों की सरकार हो, कोई अपनी मनमर्जी ना चलाए। लेकिन इधर जो ये पाकिस्तान का जो प्रेसिडेंट बना पड़ा था, ये तो अपनी मर्जी से बन गया था, तो अपनी मर्जी से सारे डिसीजन ले रहा था, लोगों को, लोग फ्री थे ही नहीं, है कि नहीं, ऐसा हो रहा था। तो जी फिर बाद में चलकर इसने आगे 2002 में, मतलब ये 5 साल का एक्सटेंशन तो मिल गया, इसे बढ़ोतरी मिल गई कि हाँ आगे, फिर इसने क्या किया 2002 में आगे चलकर एक इशू किया, क्या किया, एक मतलब एक लीगल फ्रेमवर्क जारी किया, एक इशू मतलब एक लीगल, क्या कहें, लीगल मतलब वैधानिक, मतलब कोर्ट का ऑर्डर पास कर दिया, ऐसे कह सकते हैं, एक लीगल चीज़ पास कर दी, लीगल कानून बना दिया इसने, ठीक है, कानून में सुधार किया आसान भाषा में, तो अमेंडमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब इसने एक 2002 के अंदर एक ऐसा लीगल पत्र जारी किया, लीगल ऑर्डर जारी किया, जिसमें इसने जो पाकिस्तान का संविधान था, दो कॉन्स्टिट्यूशन था, उसके अंदर सुधार, उसके अंदर बेसिकली कुछ चेंजेस लाए। तो वो चेंजेस क्या थे, तो इसने ये किया कि नाउ प्रेसिडेंट कैन डिसमिस द नेशनल एंड स्टेट असेंबलीज, यानी इसने बोला कि अब से 2002 से प्रेसिडेंट के पास ये पावर होगी कि देश के अंदर वो जो भी नेशनल और स्टेट असेंबलीज हैं, जो भी पार्टीज़ हैं, जो भी मीटिंग्स हैं, उनको ये कैंसिल कर सकता है कि नहीं, उनको रद्द कर सकता है ना, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं नेशनल लेवल पे या स्टेट लेवल पे, उनको ये रद्द कर सकता है, इतनी पावर इसके में आ गई, ठीक है। दूसरा, जो सिविलियन कैबिनेट है वो सिक्योरिटी काउंसिल, मतलब जो भी, यानी कि देखो अब सेना होती है देश के अंदर, तो सेना के लिए सेना मंत्री होंगे, तो जो सेना के मंत्री हैं, है ना, और क्या सेना के अलावा और मंत्री नहीं होते होंगे, शिक्षा मंत्री हो गया, कानून के मंत्री हो गए, गृह मंत्री हो गए, और बहुत सारे अलग अलग मंत्री हमारे देश में, शिक्षा, है ना, वित्त मंत्री हो गया, जो पैसे वैसे का हिसाब किताब लेंगे, तो कह रहा है कि सारे पूरा सिविलियन कैबिनेट का मतलब है कि सारा मंत्री परिषद, सारे मंत्री लोग किसके अंडर आ जाएंगे, सेना के अंडर आ जाएंगे, और सेना किसके अंडर है, मिलिट्री ऑफिसर्स के अंडर है, और मिलिट्री ऑफिसर किसके अंडर है, प्रेसिडेंट के अंदर है। तो मतलब इतना चालाकी से इसने इतना क्या कर दिया, कह रहा है कि मेरे पास, प्रेसिडेंट के पास पावर होगी अब से कि वो पूरे देश के अंदर जो नेशनल पार्टीज़ और जो स्टेट पार्टीज़ हैं उनकी जो रद्द कर सकता है, उनको कैंसिल कर सकता है। दूसरी चीज़ कि जो भी अलग अलग जो भी डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट के, है ना, उनको सबको कौन कंट्रोल करेगा, कौन उनको रेगुलेट करेगा, कौन उनको देखभाल करेगा, कौन उनके ऊपर रहेगा, कौन उनको मैनेज करेगा, सेना करेगी, है ना, सिक्योरिटी काउंसिल करेगा, सिक्योरिटी सुरक्षा जो परिषद है वो सबके ऊपर रहेगा, और सुरक्षा परिषद को कौन कंट्रोल करेगा, मिलिट्री ऑफिसर्स कंट्रोल करेंगे, है कि नहीं, ऐसा हो गया। उसके बाद आते हैं, तो ठीक है जी, अब मिलिट्री परिषद को कौन कंट्रोल कर रहा था, मिलिट्री ऑफिसर्स को, प्रेसिडेंट कंट्रोल कर रहा था। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, एक बड़ा क्वेश्चन आ गया कि फाइनल पावर किसके पास है, मुशर्रफ के पास, मतलब देश का उन्होंने डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बना रखी है कि नहीं, नेता वेता सब चुन रखे हैं, नेताओं को, तो जो नेता थे, जो नॉर्मल नेता थे, है ना, जो पार्लियामेंट में बैठ रहे थे,
नॉर्मल लेटा जो नेता थे जो पार्लियामेंट में बैठ रहे थे उनको किन्हों ने चुना था? लोगों ने चुना था, है कि नहीं, है ना। और जो भी डिसीजन लेने चाहिए किसको लेने चाहिए? नेताओं को लेने चाहिए। लेकिन सारे फाइनल डिसीजन किसके पास है? मुशर्रफ। और मुशर्रफ को तो किसी ने चुना ही नहीं उस, है ना, उस टाइम वो तो अपनी मर्जी से प्रेसिडेंट बन गया था। यानी पाक अंडर मुशर्रफ। अब ये बड़ा सा क्वेश्चन बन गया, ये क्वेश्चन हमारे सामने खड़ा हो गया कि क्या जब मुशर्रफ जो पाकिस्तान को चला रहा था तो क्या पाकिस्तान उस समय डेमोक्रेसी थी जब मुशर्रफ उसका प्रेसिडेंट बना पड़ा था? ये क्वेश्चन है। पीपल इलेक्टेड लीडर्स, यानी लोगों ने किसको चुना था? नेताओं को चुना था। बट जो नेता चुने थे उनकी तो मनमानी चल ही नहीं रही थी। मनमानी मतलब उनके डिसीजन तो फेल हो जा रहे थे, क्योंकि डिसीजन तो ये ले रहा था, ये कमीना ले रहा था सारे डिसीजन, ठीक है। तो यानी कि पीपल इलेक्टेड लीडर्स बट दे वर नॉट रूलर्स, यानी कि जो नेता थे जिन लोगों को चुना गया था वो रूलर्स थे ही नहीं, रूलर्स तो ये था, है ना। इट हैपन्स इन मैनी डिक्टेटरशिप एंड मोनार्चीज़, मतलब ये ऐसा और भी बहुत सारी कंट्रीज़ में होता है, जैसे चाइना वगैरह में हो सकता है, दुबई वगैरह में, इराक वगैरह में, है ना। तो इन सारी कंट्रीज़ में भी ऐसा ही होता है। दिखाने मात्र का ये होता है कि भाई चुनाव हो रहे हैं, नेता चुने जा रहे हैं, लेकिन बड़े बड़े डिसीजंस उनके हाथ में होंगे जिनको लोगों ने चुना ही नहीं है, ठीक है। ओके, इलेक्टेड पार्लियामेंट और गवर्नमेंट और लॉ सब बन रहा था, यानी पाकिस्तान में सब कुछ ठीक था। पार्लियामेंट चुनी गई थी, सरकार एकदम मस्त थी, लेकिन जो सरकार का सबसे बड़ा पोस्ट होता है जो प्रेसिडेंट होता है उसको किसी ने नहीं चुना और वो अपनी मनमर्जी से डिसीजन ले रहा था, है ना। तो रियल पावर्स वर विद नॉट इलेक्टेड, मतलब असली में डिसीजन लेने की पावर किसके पास नहीं थी? उन लोगों के पास नहीं थी जिन्हें नॉर्मल इलेक्शन से लोगों ने चुना था। ये बात समझ में आई आपको? ठीक है, आई होप समझ में आ गई होगी। तो अब इससे पहला फीचर निकल के आता है कि डेमोक्रेसी के अंदर क्या खासियत होनी चाहिए। तो हम इसको थोड़ा सा चेंज करके लिखते हैं कि ये खासियत होनी चाहिए कि इन डेमोक्रेसी फाइनल डिसीजन मेकर मेकिंग, फाइनल डिसीजन मतलब आखिरी जो निर्णय लेना है, आखिरी जो डिसीजन जो फैसला लेना है, फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। यानी लोग हैं, लोग हमारे देश के अंदर लोग हैं, सभी देशों के अंदर लोग होते हैं। लोग किसको चुनते हैं? नेताओं को चुनते हैं। लोग जिन, है ना, इलेक्ट मतलब चुनना, तो लोग जिन नेताओं को चुनते हैं, फाइनल डिसीजन जो मेकिंग पावर है किसके पास होनी चाहिए? चुने हुए नेताओं के पास होनी चाहिए, ऐसे किसी इंसान के पास नहीं होनी चाहिए जिसको लोगों ने चुना ही नहीं है। समझ में आया आपको ये बात? आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो डेमोक्रेसी का फर्स्ट फीचर है कि इन डेमोक्रेसी, आपको ये लाइन पूरी याद रख रही है, मैंने पाकिस्तान की पूरी आपको कहानी सुना दी है, समझा दी है कि नहीं? ओके, ठीक है। तो थैंक्स, लाइक करिए अगर आपको अच्छा लगा, नहीं लगा तो डिसलाइक कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बुरा नहीं मानूंगा। और कमेंट करके बताइए क्या सबसे अच्छा लगा, है कि नहीं। और सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए, और सबसे ज़रूरी अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, टेक केयर, टाटा, बाय बाय। ओके, बाय।